हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यतिन बढ़ेगा। तो आज का मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि वेट आउटफिट की वजह से पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बारिश हुई है इस ग्राउंड में, तो थोड़ा डैम्प हो गई है आउटफिट, थोड़ी गीली है साइड से, तो इसलिए थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन एटलीस्ट शुरू हुआ है, थैंक गॉड। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैच हो रहा है, 49 ओवर का मैच है। तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि वो चाहते ही हैं कि मैच हो, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के लिए मस्ट विन मैच है। और न्यूजीलैंड जो इस समय अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, अपने टॉप मतलब सारे मैच जीती है। एक इंडिया के साथ मैच था जो उनको लगता था टफ फाइट दे सकता था, जिसमें उनकी लाइक एक उनको टफ ओपोनेंट के साथ खेलना मिलता, लेकिन वो मैच बार वॉश आउट हो गया। अब ये मैच जो है साउथ अफ्रीका का जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ, तो साउथ अफ्रीका के लिए तो मस्ट विन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग मेरे को थोड़ी स्ट्रांग भी लग रही है और उनकी बॉलिंग में इमरान ताहिर और रबाडा और लुंगी नगीडी भी आज वापस आ गए हैं टीम में, तो उनकी बॉलिंग भी अब काफ़ी इम्प्रूव लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग कर रही है, तो मुझे लग रहा है आज का मैच जो भी स्कोर साउथ अफ्रीका बनाएगी डिफेंड कर लेगी क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है। और न्यूजीलैंड की दिक्कत ये है कि टॉप थ्री के बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर वो स्कोर ज़्यादा चेस करना हो और स्टार्टिंग में जल्दी से एक या दो विकेट हो जाए तो 5 से 10 ओवर के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड अगर आज का मैच चेस कर रही है तो उनके लिए चेस करना बहुत टफ होगा। उन्होंने चेजिंग का डिसीजन लिया है क्योंकि वेदर को देखते हुए, और स्टार्टिंग में अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ट्रेंट बोल्ट की स्विंगिंग बॉल को खेल लेते हैं तो साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। जो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का मैच न्यूजीलैंड के साथ जो आज का मैच है, मेरे अकॉर्डिंग आज का मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी। तो आज के मैच में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जो मेरे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के होंगे, क्विंटन डिकॉक, और बॉलिंग में इमरान ताहिर और रबाडा। क्विंटन डिकॉक और हो सकता है फाफ डु प्लेसिस भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। हाशिम आमला थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनके लिए आज का मैच बहुत अच्छा मौका है अपनी फॉर्म वापस लाने का। अगर आज के मैच परफॉर्म करते हैं तो उनके बहुत कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हाशिम आमला बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से, बट देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। तो आज के मैच में मेरे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका जीतेगा, साउथ अफ्रीका ही जीतेगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लेट्स सी साउथ अफ्रीका जीतता है कि नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग आज के मैच में साउथ अफ्रीका ही जीतेगा। थैंक यू सो मच।